एक्सपेरिमेंट नंबर फोर, ट्राइक एंड एड्स एप्लीकेशन। टुडे वी विल स्टडी ट्राइक एंड एड्स एप्लीकेशन। सो व्हाट इज ट्राइक? ट्राइक इज अ थ्री टर्मिनल बायडायरेक्शनल डिवाइस दैट कंडक्ट्स करंट इन बोथ डायरेक्शन। यू कैन सी BT136 is the model of a triac. You can see there's that triac is a three terminal device. Anode terminal, cathode terminal, and a gate terminal. It conducts current in both direction. During positive cycle of the input signal, a positive voltage is required to turn on triac, and during negative cycle of the input signal, a negative voltage at the gate of triac is required to switch on. मतलब क्या है कि अगर एनोड और कैथोड के क्रॉस पोटेंशियल पॉजिटिव है, then positive gate voltage is required to turn on triac. यानी गेट पे अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे फिर ट्राइक जो है वो ऑन होगा, और एनोड और कैथोड के क्रॉस अगर वोल्टेज नेगेटिव है फिर अगर हम गेट पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे फिर ट्राइक ऑन होगा. कंडक्ट ये दोनों डायरेक्शन में करता है, लेकिन वोल्टेज जो रिक्वायर्ड होता है अगर वोल्टेज एनोड और कैथोड के क्रॉस पॉजिटिव है तो गेट पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना होगा, फिर ये टर्न ऑन होगा. ठीक है, और सिमिलरली अगर इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो नेगेटिव है देन हमें नेगेटिव वोल्टेज देना होगा गेट पे इसको ऑन करने के लिए. और अगर इनपुट सिग्नल साइनोसाइडल है जिस तरह सर्किट में अगर हम कंसिडर करें तो पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव गेट सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन ट्राइक एंड ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट अ नेगेटिव वोल्टेज इज रिक्वायर्ड एट द गेट टू टर्न ऑन ट्राइक. ठीक है, वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, और दोनों केसेस में हमें क्या हमें गेट सिग्नल देना होगा. अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करना होगा ऑन करने के लिए, और अगर वोल्टेज नेगेटिव है देन वी नीड अ नेगेटिव वोल्टेज एट द गेट टू टर्न ऑन ट्राइक. अच्छा, और बाकी जिस तरह हमने एस सी आर थायरिस्टर में पढ़ा था कि हम एस सी आर थायरिस्टर को डिफरेंट एंगल्स पर ट्रिगर्ड कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा था कि हाउ वी कैन ट्रिगर्ड एस सी आर थायरिस्टर एट डिफरेंट एंगल्स. वो हमने पढ़ा था कि जिस इंस्टेंट पे हम गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे उस इंस्टेंट पे क्या होगा, जो एस सी आर थायरिस्टर है वो क्या होगा, वो टर्न ऑन होगा. सेम इज़ फॉर ट्राइक, लेकिन फ़र्क ये है कि वो यूनि डायरेक्शनल डिवाइस था, ये बाई डायरेक्शनल. ठीक है, तो इसको भी सर ये बात रिपीट करें सर, ये अभी जो बात की एस सी आर के हमने पढ़ा था कि एस सी आर जो है उसको हम डिफरेंट एंगल्स पे स्विच ऑन कर सकते हैं. ठीक है, यानी हम जिस अगर एस सी आर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है और हम जिस इंस्टेंट पे हम गेट सिग्नल अप्लाई करें कि एस सी आर ऑन हो जाएगा, लेकिन एस सी आर इज़ अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मीन्स कि अगर एनोड और कैथोड के क्रॉस पोटेंशियल पॉजिटिव होगा फिर अगर हम गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे एस सी आर जो है वो ऑन होगा. ठीक है, अगर एनोड और कैथोड के क्रॉस पोटेंशियल नेगेटिव होगा फिर एस सी आर ऑन नहीं होगा. अगर हम गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एस सी आर विल रिमेन इन द ऑफ स्टेट. ट्राइक इज़ अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस, यानी अगर इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, इसके क्रॉस वोल्टेज से मुराद क्या है, एनोड और कैथोड के क्रॉस वोल्टेज अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, ये ऑन होगा. ठीक है, ये ऑन हो सकता है अगर इसके क्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन कब ऑन होगा अगर वोल्टेज पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे फिर ही ऑन होगा, और अगर इसके क्रॉस वोल्टेज नेगेटिव है तो फिर अगर हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे गेट पर फिर ये ऑन होगा. ठीक है, तो थोड़ा सा यानी कंडक्ट दोनों डायरेक्शन में करता है, पॉजिटिव साइकिल में भी कंडक्ट करेगा, नेगेटिव साइकिल में भी कंडक्ट करेगा,
लेकिन जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है गेट पे वो पॉजिटिव साइकिल के दौरान पॉजिटिव वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है और नेगेटिव साइकिल के दौरान नेगेटिव वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको याद हो हमने एक डायोड लगाया था ट्राई इस एक्सपेरिमेंट में इन ऑर्डर टू ब्लॉक द नेगेटिव वोल्टेज फ्रॉम द गेट ऑफ द FCR। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने एक डायोड लगाया था ताकि नेगेटिव वोल्टेज जो है वो गेट पे अपीयर ना हो। ठीक है, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, अगर एनोड और पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो कैथोड से ज़्यादा होगी और गेट सिग्नल की वैल्यू क्या होगी वो पॉजिटिव होगी, फिर ये ऑन होगा। और अगर एनोड पे पोटेंशियल क्या है वो नेगेटिव है, फिर ये ऑन नहीं होगा। तो प्रोटेक्शन के लिए फिर हम एक डायोड लगाते हैं ताकि जो गेट वोल्टेज जो नेगेटिव वोल्टेज है इनपुट की वो क्या हो गेट पे अपीयर ही ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस हैं, ये पॉजिटिव साइकिल में भी ऑन होगा और नेगेटिव में भी ऑन होगा, लेकिन पॉजिटिव साइकिल के दौरान हमें एक पॉजिटिव पल्स देना होगा गेट पे और नेगेटिव साइकिल के दौरान हमें क्या करना होगा एक नेगेटिव पल्स देना होगा गेट पे। तो जिस इंस्टेंट पे हम पल्स अप्लाई करेंगे उसी से उसी इंस्टेंट पे क्या होगा ये ऑन होगा। यानी जिस तरह हमने उसको डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिगर किया था SCR को, सेम वी कैन ट्रिगर ट्राई के डिफरेंट एंगल्स कैसे करेंगे वो हम आगे सिमुलेशन में दिखाऊंगा। अच्छा, सर्किट्स को अगर आप देखें तो सर्किट में वी हैव हमारे पास क्या है, एक ट्राइक है, ठीक है, BT136, और ऑल्सो देर इज अनदर कंपोनेंट दिस, ये जो बैक टू बैक डायोड्स आपको ये कंपोनेंट नज़र आ रहा होगा, दिस इज डाई एक, ठीक है, ये जो टू टर्मिनल डिवाइस है जिसको हमने कनेक्ट किया है ट्राइक के गेट के साथ, दिस इज़ अ डाई एक। अब डाइक क्या है, डाइक इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, क्लियरली यू कैन सी फ्रॉम द सिंबल, बट अगेन डाइक इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल डिवाइस। ठीक है, ये भी दोनों डायरेक्शन में करंट को पाथ प्रोवाइड करता है। और फर्क क्या है, यानी अगर इसको हम कंपेयर करें विद डायोड, तो डायोड जो है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है वाइल डाइक इज अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस। और सेकेंड जो डिफरेंस है ना वो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज का, कि डायोड रिक्वायर्स 0.7 वोल्ट टू कंडक्ट वाइल डाइक की जो है वो इट रिक्वायर्स अ हायर वोल्टेज। और वो वोल्टेज है दैट वो डिपेंड ऑन द मॉडल कि हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं। जिस तरह लैब में हम यूज़ करते हैं दिस डाइक DB3, ठीक है, इस मॉडल को हम यूज़ करते हैं DB3 मॉडल। अब इसकी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना दैट इज़ फ्रॉम 28 वोल्ट टू 32 वोल्ट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि डाई क्या होगा, इट विल टर्न ऑन ए वोल्टेज अक्रॉस इट इज +28 और -28। इस तरह हम डायोड के लिए कहते हैं ना सिलिकॉन डायोड के लिए कि इफ वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज 0.7 वोल्ट देन सिलिकॉन डायोड विल कंडक्ट। ठीक है, डाई क्या है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, that will turn on if voltage across it is equal to threshold voltage. Ab voltage may be positive may be negative but if its magnitude is equal to its threshold value then it will turn on. Jis tarah maine kaha ki jo diag db3 hai iski jo threshold voltage hai wo kya hai, wo 28 se 32 volt tak ho sakti hai. Theek hai, to bas aane ke liye consider kar lete hain ki 28 volt hai. अब अगर इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी डायग के क्रॉस, वो +28 होगी या -28 होगी, इट विल टर्न ऑन। ठीक है, ये क्लियर हुआ है कि ट्राइक और SCR में क्या फर्क है और डायग और ट्राइक में क्या फर्क है? सर SCR का बता दे, वो सही नहीं सुना यार। SCR तो हम पिछली लैब में डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट 3 देख लेना। यानी ट्राइक जो है, ट्राइक और SCR में क्या फ़र्क है, ट्राइक इज अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस, SCR इज अ यूनि डायरेक्शनल डिवाइस। ठीक है, बाकी जो है दोनों के केस में हमने क्या करना होगा, वी हैव टू अप्लाई गेट सिग्नल टू टर्न ऑन द कंपोनेंट। ठीक है, अब अगर ट्राइक है तो गेट सिग्नल में अप्लाई करेंगे फिर ही ऑन होगा, और अगर यार SCR है अगेन वी विल गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे फिर ऑन होगा, लेकिन एक बाई डायरेक्शनल एक यूनिडायरेक्शनल।
और वो थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे सिमुलेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सर्किट में ट्राइक, ठीक है, सर्किट कंसिस्ट ऑफ ट्राइक, डायक, ठीक है, डायक का भी मैंने बता दिया क्या है, इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस, और डायक इज़ अ अनकंट्रोल्ड डिवाइस। ट्राइक क्या है, ये कंट्रोल डिवाइस है, गेट सिग्नल से हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो ट्राइक, जो डायक है वो क्या, इट इज़ अनकंट्रोल्ड डिवाइस। अगर वोल्टेजेस के क्रॉस क्या होगी, थ्रेशोल्ड की इक्वल होगी तो ये ऑन होगा, अगर कम होगी तो ये ऑफ होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते इसकी, यानी ये डिपेंड करता है कि वोल्टेज पे, ठीक है। अगर वोल्टेज इसके क्रॉस थ्रेशोल्ड की इक्वल या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इट विल टर्न ऑन, और अगर कम है तो इट विल नॉट, इट विल रिमेन एन ऑफ स्टेट। अच्छा, और अगर आप सर्किट को देखें तो देयर इज अ 0.1 माइक्रोफराड कैपेसिटर एंड आल्सो देयर इज अ वेरिएबल रजिस्टर आर एंड अ रजिस्टर आर वन कनेक्टेड इन सीरीज विद द वेरिएबल रजिस्टर। तो ये सर्किट भी हम पढ़ चुके हैं, जिसको हमने कहा था कि हमने दो सर्किट पढ़े थे ट्रैकिंग के लिए, वन वाज आर ट्रिगर सर्किट एंड द अदर वाज आर सी ट्रिगर सर्किट, SCR का वो, अगर आपको पिछला एक्सपेरिमेंट याद हो। तो दिस इज़ एन RC सर्किट, ठीक है, यानी वी विल यूज़ RC सर्किट टू ट्रिगर ट्राई। अब एडवांटेज मैंने बताया था RC सर्किट का, कि RC सर्किट में हम वेरी कर सकते हैं फायरिंग एंगल को 0 से 180 तक, ठीक है, वाइल ऑन आर ट्रिगर सर्किट वी कैन वेरी फायरिंग एंगल फ्रॉम 0 to 90। तो वी विल यूज़ RC सर्किट टू ट्रिगर दिस ट्राई के डिफरेंट फायरिंग एंगल्स, ठीक है। और अच्छा, अब लोड रेजिस्टर जो है वो 200 ओम का है, ठीक है, देर इज़ अ लोड रेजिस्टर। अच्छा, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अच्छा, वर्किंग ये है कि यानी इस जो ट्रैक है, ठीक है, अगर ट्रैक ऑन स्टेट में होगा देन वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द लोड, ठीक है। यानी हम जो इनपुट अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, अगर ट्रैक क्या होगा, ऑन स्टेट में होगा देन हमें लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगी, और अगर ट्राई क्या होगा, ऑफ स्टेट में होगा देन वोल्टेज अक्रॉस द लोड विल बी 0। वाई हम 0 क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें ना क्लियरली, कि जब ट्राई क्या होगा ऑन स्टेट में होगा, तो वी नो दैट के ट्राई की जो रेजिस्टेंस होती है ऑन स्टेट में वो 10 ओम्स तक होती है, ठीक है, मे बी 2 ओम, मे बी 3 ओम, और ऑन स्टेट में इसके अक्रॉस 1 वोल्ट तक वोल्टेज अपीयर होती है, ठीक है। तो जब ये ऑन स्टेट में होगा तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तकरीबन 5 ओम या 5 ओम तक होगी, यानी बहुत कम रेजिस्टेंस होगी। आसानी के लिए हम कह लेते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट सर्किट की तरह ऐड करेगा जब ये ऑन स्टेट में होगा, ठीक है। तो ऑन स्टेट में अगर ये शॉर्ट की तरह ऐड करेगा तो यू कैन सी के, और हम जानते हैं कि जो करंट है वो क्या, वो लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। तो क्लियरली यू कैन सी के अगर ट्रैक ऑन होगा तो करंट क्या होगा, फ्लो करेगा लोड में और ट्रैक में, और ट्रैक जो शॉर्ट की तरह ऐड करेगा, मीन्स के नो करंट विल फ्लो थ्रू आर वन थ्रू दिस वेरिएबल रजिस्टर आर एंड सी वन, क्योंकि दिस ट्रैक विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एंड करंट विल फ्लो थ्रू लोड एंड ट्रैक, ठीक है। ऑफ स्टेट में क्या होगा, ऑफ स्टेट में इट्स रजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, सो इट विल नॉट प्रोवाइड पाथ टू द करंट, ठीक है। अब होगा क्या कि करंट किस पाथ को फॉलो करेगा, करंट विल फ्लो थ्रू आर एल थ्रू आर वन थ्रू आर वेरिएबल रजिस्टर आर एंड सी वन, ठीक है, यानी करंट इस पाथ को फॉलो करेगा, जो आउटर लूप है करंट इसमें फ्लो करेगा, जिसमें आर एल है, आर वन है, वेरिएबल रजिस्टर है और सी वन है। अब इस करंट को हम अज्यूम करेंगे कि ये 0 है, क्यों, क्योंकि जो रजिस्टर, जो वेरिएबल रजिस्टर हम यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू क्या हम यूज़ करेंगे, यानी बहुत हाई वैल्यू का हम वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, किलो ओम में होगी, मे बी 100 किलो ओम, 150 किलो ओम, 200 किलो ओम, ठीक है। तो अगर वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल रजिस्टर की बहुत बहुत हाई होगी, तो फिर क्या होगा, बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगा जब ट्राई क्या होगा ऑन स्टेट में होगा लोड में, ठीक है। और उस करंट को फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर इट, अगर करंट जो है वो माइक्रो एम्पेयर में है या नैनो एम्पेयर में है, वी कैन इग्नोर दैट करंट। तो आसानी के लिए हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ट्राई क्या होगा ऑन स्टेट में होगा देन वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस लोड, और जब ट्राई क्या होगा ऑफ स्टेट में होगा
देन वोल्टेज अक्रॉस लोड विल बी ज़ीरो। और वोल्टेज अक्रॉस लोड विल बी ज़ीरो को हम क्यों कहेंगे कि वोल्टेज लोड के अक्रॉस हमें ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि जो आर है उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, वो इट विल बी इन किलो ओम्स। तो और हम वी नो दैट के वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई, देन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। तो उस करंट को फिर हम क्या करेंगे कि अगर माइक्रो एम्पेयर में है, वी विल इग्नोर इट, वी विल कंसिडर इट के करंट इन द सर्किट इज ज़ीरो। या आगे मैं आपको सिमुलेशन में भी दिखाऊंगा कि इट इज़ वैलिड, ठीक है। वी नो दैट कि अगर ये नहीं, अगर 1 वोल्ट का सोर्स है या अगर 100 वोल्ट का सोर्स है और हम आगे 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा देंगे, तो बहुत कम करंट फ्लो करेगा 1 मेगा ओम रजिस्टर में। और हम कह सकते हैं कि 1 मेगा ओम जो है वो 1 मेगा ओम में जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज़ ज़ीरो, नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है कि ऑन स्टेट में क्या होगा, वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस आर एल, एंड एन ऑफ स्टेट नो वोल्टेज विल बी क्रॉस आर एल, या वेरी स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस आर एल। अच्छा, इस सर्किट को डिमर सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। तो डिमर सर्किट में व्हाट आर दी कंपोनेंट्स इन डिमर सर्किट, वी हैव ट्राइक, वी हैव डायक, एंड आल्सो वी हैव एन आरसी ट्रिगर्ड सर्किट इन विच देयर इज अ कैपेसिटर एंड अ वेरिएबल रजिस्टर एंड लोड रजिस्टर, ठीक है, एंड लोड। और लोड जो है, जिस तरह हम अगर डेली लाइफ में देखें, जिस तरह यूज़ करते हैं डिमर को फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, तो वी हैव, हम पोटेंशियोमीटर को क्या करते हैं, वेरी करते हैं, जिसकी वजह से जो फैन की स्पीड है वो चेंज होती है। तो एक्चुअली होता ये है कि जब हम पोटेंशियोमीटर को वेरी करते हैं तो जो आरएमएस वैल्यू है वो क्या होती है, वो चेंज होती है लोड के अक्रॉस। अभी हम देखेंगे कि जब हम वेरिएबल रजिस्टर को वेरी करेंगे, ठीक है, तो वोल्टेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा लोड के अक्रॉस। लेकिन एज आई सेड के जो हम घरों में यूज़ करते हैं डिमर सर्किट को, डिमर को, दैट इज़ हम वेरी करते हैं पोटेंशियोमीटर को, ठीक है, जिसकी वजह से जो आरएमएस वैल्यू है वो चेंज होती है। तो अगर हम बल्ब की ब्राइटनेस को भी हम क्या कर सकते हैं, इससे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और फैन की स्पीड यूजुअली हम फैन के लिए यूज़ करते हैं घरों में। तो ये सिमुलेशन, इसकी आप सिमुलेशन करेंगे तो ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्यूज मी सर, जी सर, आपने कहा था कि हमने एक्सपेरिमेंट 3 किया है। सर, हमने एक्सपेरिमेंट 3 असल में नहीं किया, लास्ट वीक में हमने एक्सपेरिमेंट 2 किया था। अच्छा, आप लोगों की लैब जो है वो यस सर, वो एक सर लीव 23 मार्च वाली एक लीव हुई थी। चलें इसको कंप्लीट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट 3 भी कराऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ट्रैक, ठीक है। तो ट्रैक का मॉडल हम यूज करेंगे 2N6, और डायक यूज करेंगे हम 1N5 75A। अच्छा, और सॉरी रेजिस्टर, 1 लोड रेजिस्टर एंड 1 फिक्स रेजिस्टर, सो वेरिएबल रजिस्टर। ठीक हो गया, एन ए सी सोर्स।
ठीक है, हम्म, याद रख तो आसान है, ठीक है, यानी लोड रजिस्टर 100 ओम, डाइक 1N5758, ट्राइक 2N6073, वेरिएबल रजिस्टर 200K। टू हंड्रेड किलो ओम का वेरिएबल रजिस्टर, और आर वन जो है ना, ये हम एक स्मॉल रजिस्टर यूज़ करते हैं वेरिएबल रजिस्टर के साथ सीरीज में, ठीक है, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। इसकी क्या, क्यों हम यूज़ करते हैं, जब भी हम पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं, हम एक स्मॉल रजिस्टर भी साथ सीरीज में यूज़ करते हैं वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर भी, क्योंकि अगर हम वेरिएबल रजिस्टर की रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो फिर देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो अगर एक फिक्स रजिस्टर होगा साथ सीरीज में, तो फिर करंट क्या होगा, उस फिक्स रजिस्टर में से फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगी। दिस इज़ के जस्ट हम जब भी हम वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, वी कनेक्ट अ स्मॉल रजिस्टर इन सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर और वेरिएबल रजिस्टर। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट 3 नहीं किया है, तो अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट 3 में मैं पढ़ाता हूँ, उसको भी हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट 4 में। वो टर्म्स क्या है, वन टर्म इज़ द फायरिंग एंगल एंड द अदर इज़ द कंडक्शन एंगल, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ट्रायक है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। बाई डायरेक्शनल डिवाइस मीन्स के अगर वोल्टेज अक्रॉस एनोड और कैथोड क्या है, वो पॉजिटिव है, फिर हम अगर गेट पे पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये ऑन होगा, और अगर एनोड और कैथोड के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव है और हम अगर गेट पे नेगेटिव साइकिल नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे फिर ये ऑन होगा। दो मेथड्स हम वोल्टेज अप्लाई हम अच्छा अब इसको ट्रिगरिंग कहते हैं, ठीक है ना, कि हम अगर गेट पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे फिर ये ऑन होगा। अब गेट पे हम वोल्टेज दो तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं, यानी बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं जिस हम यूज़ कर सकते हैं कि गेट पे वोल्टेज अप्लाई करें। हम पल्स को भी, पल्स मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं कि हम गेट पे एक पल्स अप्लाई कर दें, या फिर जो क्योंकि लेकिन अगर पल्स वाला मेथड हम यूज़ करना चाहें तो वी नीड एन एक्सटर्नल सोर्स, कि हम गेट के साथ एक एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे उसकी उसकी कोई वैल्यू फिक्स कर देंगे, ठीक है, गेट पे, और फिर क्या होगा, जो ट्रैक है वो ऑन होगा। लेकिन लैब में हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं ट्रिगरिंग के लिए, वन इज़ आर ट्रिगर मेथड एंड द अदर इज़ आर सी ट्रिगर मेथड। आर ट्रिगर मेथड में होता क्या है कि आर ट्रिगर में हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, ऑल्सो देयर इज़ अ फिक्स रजिस्टर। यानी अगर यहाँ पे मैं इसको दिस इज़ एन आर सी ट्रैगेड मैथड, ठीक है, और ये यानी दो मैथड्स हम यूज़ करते हैं ट्रैगरिंग के लिए, यानी गेट पे सिग्नल देने के लिए। वन इज़ आर ट्रैगेड मैथड एंड द अदर इज़ आर सी ट्रैगेड मैथड। तो आर ट्रैगेड मैथड में हम क्या करते हैं, सी वन जो है इसको रिप्लेस करते हैं एक फिक्स रजिस्टर से, ठीक है, और बाकी सर्किट हमारा यही होता है, ठीक है, सिर्फ सी वन की जगह हम क्या लगाते हैं, एक फिक्स रजिस्टर लगाते हैं। और आर सी ट्रिगर मेथड में हमारे पास क्या होता है, वी हैव सी वन, ठीक है, आल्सो वी हैव ए वेरिएबल रजिस्टर। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो ब्रेक और वोल्टेज है, जो एक्सपेरिमेंट 2 में हमने पढ़ा था कि जो ब्रेक और वोल्टेज है वो क्या होता है थायरिस्टर के केस में, वो डिपेंड करता है गेट वोल्टेज पे। अगर गेट वोल्टेज हमें अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें जब क्या ये जो एस सी आर है कब ऑन होगा, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस रेटेड के इक्वल होगी, यानी इफ गेट वोल्टेज इज ज़ीरो देन वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन देन रेटेड वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन एस सी आर। ये हमने लैब 2 में पढ़ा था। और हमारा गेट वोल्टेज और एस सी आर क्या होगा, कम वोल्टेज पे ऑन होगा अगर हम गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे, और वो जो वोल्टेज है या जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है इट डिपेंड्स ऑन द गेट वोल्टेज। अगर हम हाई एम्पलीट्यूड का गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो सी आर जो है वो लो वोल्टेज पे ऑन होगा, और अगर हम क्या करेंगे,
लो वोल्टेज का लो एम्पलीट्यूड का गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे फिर इस सीआर क्या होगा वो हाई वोल्टेज पे ऑन होगा, और अगर हम गेट सिग्नल को ज़ीरो रखेंगे तो फिर इस सीआर रेटेड वोल्टेज पे ऑन होगा। ये हम पढ़ चुके हैं लैब नंबर टू में अगर आपको याद हो, सेम यहाँ पे हम वही चीज़ें अप्लाई करेंगे ठीक है। और यानी ये जो सर्किट है दैट इज़ टू ये यूज़ करते हैं हम जो ट्रिगर्ड सर्किट है टू अप्लाई सिग्नल यानी गेट पे सिग्नल अप्लाई करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब दो सर्किट्स हैं, आर ट्रिगर्ड सर्किट है और आर सी ट्रिगर्ड सर्किट है। आर ट्रिगर्ड सर्किट में जैसे सेट के C1 की जगह हम यूज़ करते हैं एक फिक्स रजिस्टर 1 किलो ओम और 2 किलो ओम ठीक है, तो बाकी हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर होता है। लेकिन आर ट्रिगर सर्किट में हम फायरिंग एंगल को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 90 degree ठीक है। व्हाट इज़ फायरिंग एंगल, द एंगल आफ्टर विच एस सी आर आर ट्रैक विल टर्न ऑन या विल कंडक्ट ठीक है। अभी मैं आपको जब मैयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ फायरिंग एंगल, डिफिनीशन क्या है फायरिंग एंगल का, कि द एंगल आफ्टर विच ट्रैक आर ट्रैक की बात कर लेते हैं, द एंगल आफ्टर विच ट्रैक विल टर्न ऑन ठीक है। और एक टर्म हम यूज़ करेंगे कंडक्शन एंगल, व्हाट इज़ कंडक्शन एंगल, द एंगल ड्यूरिंग विच ट्रैक विल कंडक्ट ठीक है। मैयर कैसे करेंगे वो आगे वेव फॉर्म से आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली फायरिंग एंगल एंड व्हाट इज कंडक्शन एंगल। डिफिनीशन ये है कि द एंगल आफ्टर विच ट्रैक कंडक्ट्स इज कॉल्ड फायरिंग एंगल एंड द एंगल ड्यूरिंग विच ट्रैक विल कंडक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन एंगल ठीक है। और फायरिंग सर्किट्स मैंने आपको बता दिए कि दो सर्किट्स हैं, आर ट्रिगर सर्किट है जिसमें एक फिक्स रजिस्टर हम यूज़ करते हैं C1 की जगह ठीक है, और एक वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं, और एक RC सर्किट है जिसमें हम एक फिक्स कैपेसिटर यूज़ करते हैं और एक वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करते हैं। दोनों में फायदा दोनों में फ़र्क क्या है, बोथ कैन बी यूज टू ट्रिगर ट्रैक, लेकिन अगर हम आर ट्रिगर सर्किट यूज़ करते हैं तो फिर हम फायरिंग एंगल को वेरी कर सकते हैं 0 to 90 degree तक, और अगर हम RC ट्रिगर सर्किट यूज़ करेंगे तो फिर हम फायरिंग एंगल को वेरी कर सकते हैं 0 to 180 degree। ये वेव फॉर्म से चीज़ें क्लियर होंगी, अब इस तरह आप शायद आप लोगों को समझना है ठीक है। ये मैं चैनल ए को हम मैं कनेक्ट करता हूँ लोड के क्रॉस और चैनल बी को विद द इनपुट ठीक है। वर्किंग मैंने आपको बता दी है कि जब ये ऑन स्टेट में होगा ट्राई देन वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस आर एल, और कितनी वोल्टेज अपीयर होगी, अगर हम 120 वोल्ट आर एम एस का सिग्नल अप्लाई करते हैं तो इसके अक्रॉस वी नो दैट कि ऑन स्टेट में ट्राई के अक्रॉस वोल्टेज तकरीबन 1 वोल्ट की इक्वल होती है, तो 1 वोल्ट जो है वो इट विल अपीयर अक्रॉस ट्राई एंड रिमेनिंग विल अपीयर अक्रॉस आर एल। तो ऑन स्टेट में आर एल के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 120 वोल्ट आर एम एस, 119 वोल्ट आर एम एस और 1 वोल्ट विल अपीयर अक्रॉस ट्राई। तुम कह सकते हैं कि ऑन स्टेट में V1 विल अपीयर अक्रॉस RL अगर हम उस 1 वोल्ट को इग्नोर कर दें, और इन ऑफ स्टेट व्हाट विल हैपन, इन ऑफ स्टेट दिस विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट ट्रैक, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट फ्लो करेगा वेरिएबल रजिस्टर और कैपेसिटर में, तो वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वी कैन से दैट के करंट की वैल्यू क्या होगी, वो माइक्रो एम्पेयर में होगी एंड वी कैन इग्नोर दैट स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट। यानी हम ये कहेंगे कि अगर ये ऑन होगा तो फिर सर्किट में करंट फ्लो करेगा एंड वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस आर एल, और ट्राई क्या होगा ऑफ स्टेट में होगा देन नो करंट विल फ्लो थ्रू द लोड एंड ऑल्सो द सोर्स करंट विल बी ऑल्सो जीरो ठीक है ना। एग्री करते हैं कि हम क्यों जब ऑफ स्टेट में हम करंट को क्यों जीरो कंसिडर करेंगे, हाँ स्टूडेंट्स सर वहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं। जी जी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी सर्किट की तो इस वजह से सर्किट में बहुत कम करंट फ्लो करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे कि सर्किट में करंट क्या है वो जीरो। अच्छा अभी देख लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस आर एल,
ठीक है, यानी इस ट्राई को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम आरएमएस वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं लोड के अक्रॉस। इसका फ़ायदा क्या है, यानी जो पूरा सर्किट हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ट्राइक है, डायक है और ट्रिगर सर्किट है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल आरएमएस वैल्यू अक्रॉस द लोड। ठीक है, वो कैसे कंट्रोल करेंगे वो आगे हम आगे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, तो आउटपुट देख लेते हैं। इनपुट देख ले, दिस इज इनपुट सिग्नल दैट वी आर अप्लाइंग टू द सर्किट। ठीक है, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है, वो 120 वोल्ट है। ठीक है, तो जो पीक वैल्यू है वो तकरीबन कितनी होगी, तकरीबन 120 से ज़्यादा होगी, तकरीबन ये पीक वैल्यू जो है वो 168 वोल्ट है। ठीक है, और इसकी जो आरएमएस वैल्यू है इनपुट की वो क्या है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इट इज़ 120 वोल्ट, और इसको रन कर लें तो जो वोल्ट मीटर है वो भी हमें, एक मिनट ये ऑन हुआ या नहीं, ठीक है, तो जो आरएमएस वैल्यू है ऑन स्टेट में वाई वी आर गेटिंग वोल्टेज अक्रॉस, ये ऑन है, सही है, ओके ठीक है ऑन। अच्छा, इस वक्त जो हमें वोल्टेज मिल रही है लोड के अक्रॉस वो है 119 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि गेट सिग्नल बहुत हाई है। अच्छा, वाई हम क्यों कह रहे हैं कि गेट सिग्नल इज़ वेरी हाई, द रीज़न इज़ कि हमने आर को क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया, तो जो सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, इट विल बी C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है इट विल बी इक्वल टू वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज होगी। ठीक है ना, क्योंकि आर की वैल्यू ज़ीरो है, और ये जो वोल्टेज है दैट विल आल्सो अपीयर अक्रॉस द गेट। दरमियान में हमने डायक लगाया, ठीक है, डायक क्या होगा, वो ऑन स्टेट में होगा क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज हम दे रहे हैं। ठीक है, और इसकी किस वोल्टेज पे ऑन होगा, दैट फ्रॉम दैट वी ये हमने डेटा शीट से देखना होगा कि 1 in 5, 7, 5, 8 की थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है। DB3 का मैं बता चुका हूँ कि जो डायक DB3 है That requires 28 volt to conduct, ठीक है, लेकिन इसकी वोल्टेज 28 से तो कम ही लग रही है, मे बी 1 volt हो, मे बी 2 volt हो, ठीक है, तो डेटा शीट से एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी इस 1 in 5, 7, 5, 8 डायक की केस की थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है। लेकिन इस वक्त क्या है, हम ये कहेंगे कि सर्किट में क्योंकि गेट वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तो जो ट्राइक है वो क्या होगा, लो वोल्टेज पे ऑन होगा, जो कि हम एक्सपेरिमेंट 2 में पढ़ चुके हैं कि ब्रेक और वोल्टेज जो है डिपेंड्स ऑन द गेट वोल्टेज, अगर गेट वोल्टेज की ज़्यादा होगी तो फिर ब्रेक और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो यहाँ पे क्योंकि C1 जो है, जो वोल्टेज C1 के अक्रॉस होगी वही वोल्टेज क्या होगी, अप्रॉक्सीमेटली गेट के अक्रॉस भी अपीयर होगी, तो R को हमने ज़ीरो सेट किया, जिसकी वजह से जो वोल्टेज हम अप्लाई करें दैट विल अपीयर अक्रॉस C1, या ये हम कह सकते हैं कि C1 के अक्रॉस या जो गेट वोल्टेज है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो ट्रैक है वो क्या होगा, लो वोल्टेज पे ऑन होगा। और अगर ये लो वोल्टेज पे ऑन होगा तो इसका मतलब ये है कि हमें जो सिग्नल हम इनपुट जो सिग्नल हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे होंगे सेम विल अपीयर अक्रॉस द लोड। तो यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी के जो इनपुट है ना, वो जो आउटपुट सिग्नल है दैट इज इक्वल टू द इनपुट सिग्नल। मैंने इनपुट सिग्नल को ऑफ किया है, ठीक है, लेकिन देर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है, आउटपुट और इनपुट में कोई फ़र्क नहीं है। इधर अगर आप देखें देर इज़ अ 119 वोल्ट RMS और अप्लाई हम क्या कर रहे हैं, 120 वोल्ट कह रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि देर विल बी सम ड्रॉप अक्रॉस द ट्रैक, ठीक है, तो ट्रैक के अक्रॉस भी एक जिस तरह मैंने कहा कि तकरीबन 1 volt तक वोल्टेज आती है ऑन स्टेट पे, तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि ट्रैक जो है वो पॉजिटिव साइकिल में भी कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव साइकिल में भी कंडक्ट कर रहा है, और इट इज़ एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल, so no current will flow through R1 R and C1, current will only flow through this load resistor 100 ohm, और वो हम यहाँ से सिमुलेशन से हम देख भी सकते हैं। ठीक है, इस वक्त अगर हम देखें तो फायरिंग एंगल क्या है, वो ज़ीरो है, और जो कंडक्शन एंगल है, ठीक है, दैट इज़ 180 degree, ठीक है, क्योंकि
अच्छा, अब नेक्स्ट में जब हम मेजर कर लेंगे फाइन एंगल तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू मैं इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, 20% मैंने कर दिया है आर को। अब आप देखेंगे इनपुट, देयर इज अ डिफरेंस इन द आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल। इनपुट इज अ प्योर साइनोसाइडल सिग्नल ऑफ 119 वोल्ट आरएमएस। आउटपुट सिग्नल को हम सिर्फ देख लेते हैं, दिस इज द आउटपुट सिग्नल, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान हमें आउटपुट थोड़ी देर के लिए जीरो मिल रही है, एंड देन हमें क्या हो रही है, आउटपुट जो है वो इनपुट की इक्वल मिल रही है। एंड सेम केसेस फॉर दी नेगेटिव साइकिल, कि ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल हमें आउटपुट थोड़ी देर के लिए जीरो मिल रही है, एंड देन फिर हमें पूरा जो है वो नेगेटिव साइकिल मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं इनपुट के साथ कंपेयर करूँ, यहाँ पे आप देखें कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान हमें आउटपुट जो है वो स्मॉल ड्यूरेशन के लिए जीरो मिल रही है, ठीक है, और फिर हमें आउटपुट जो है वो इनपुट के इक्वल मिल रही है। और सेम इज़ फॉर द नेगेटिव साइकिल इज वेल। इस एंगल को क्या कहते हैं, ये नहीं, अगर हम इस एंगल को अगर हम मेजर कर लें कि जितनी देर के लिए हमें आउटपुट जो है वो जीरो मिल रही है, दैट एंगल इज एक्चुअली दी फायरिंग एंगल, और जितनी देर के लिए हमें आउटपुट जो है वो इनपुट की इक्वल मिल रही है, दैट एंगल इज दी कंडक्शन एंगल। यानी यहाँ पे देखें, और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा जिस पे ये ट्रैक जो है वो फायर्ड होगा, वो अगर हम क्या करें, इस इंटरवल को अगर हम मेजर कर लें जितनी देर के लिए आउटपुट जो है वो जीरो है पॉजिटिव साइकिल के दौरान, और फिर हम इस रिलेशन को यूज़ कर लें कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी यहाँ पे अगर हमें फ्रिक्वेंसी में पता रिलेशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, एफ हमें पता है कि 60 हर्ट्ज़ है। टी की वैल्यू कहाँ से आएगी, टी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यानी यहाँ पे देखें जितनी देर के लिए आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, वो हमें जीरो मिलेगी, दैट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ टी। तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव साइकिल के दौरान हमें इतनी देर के लिए आउटपुट जीरो मिल रही है, और ये जो ड्यूरेशन है ये कितना है, ये तकरीबन है 2 मिलीसेकंड, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हो ये कर्सर से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेजर दिस इंटरवल, तो ये 2 मिलीसेकंड है। अब हमने क्या करना है, वी नीड के फाइनल एंगल कितना हो, तो फाइनल एंगल पे हम के लिए हम यूज़ करेंगे थीटा जो है वो ओमेगा टी, यानी एस 2 मिलीसेकंड को हम मल्टीप्लाइड करेंगे किस चीज़ से, 2 पाई f से, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी रेडियन में। और जो वैल्यू हमारे पास आएगी, लेट्स हमारे पास आती है 1 रेडियन, या उसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, तो लेट्स हमारे पास वैल्यू आ गई थीटा की 57 डिग्री। अब 57 डिग्री हम कह रहे हैं कि 57 डिग्री इज़ द फायरिंग एंगल। डिफाइन कैसे करेंगे कि थायरिस्टर जो है वो क्या होगा, वो 57 डिग्री पे क्या होगा, वो ऑन होगा, ठीक है। यानी किस एंगल पे फायर होगा, 57 डिग्री पे, तो 57 डिग्री इज़ और फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल का डिफिनीशन हमने क्या किया था कि द एंगल आफ्टर विच थायरिस्टर विल टर्न ऑन, तो 57 डिग्री पे क्या होगा, थायरिस्टर ऑन होगा। कितनी देर के लिए ऑन रहेगा पॉजिटिव साइकिल के दौरान, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल एंगल जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है, और जो फायरिंग एंगल है वो 57 है, तो 180 माइनस 57 करेंगे तो हमारे पास कंडक्शन एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो कंडक्शन एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 57। 57 हमने कैसे फाइंड किया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आप लोगों ने फायरिंग एंगल को फाइंड करना है कि किस एंगल पर ट्रैक जो है वो फायर होगा। वो सेम हम नेगेटिव साइकिल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं कि नेगेटिव साइकिल के दौरान थायरिस्टर ट्रैक जो है वो किस एंगल पे फायर होगा, ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लियर है, व्हाट इज फायरिंग एंगल, व्हाट इज कंडक्शन एंगल, एंड हाउ वी कैन वेरीफाई जी कंडक्शन एंगल वाला। कंडक्शन एंगल जो है ना, एक ये है कि कितनी देर के लिए जो ट्रैक है वो क्या होगा, वो कंडक्ट करेगा, यानी वो ऑन स्टेट में रहेगा पॉजिटिव साइकिल के दौरान। तो अगर फायरिंग एंगल क्या है, वो 57 डिग्री है, सो ज्यूम हम कर रहे हैं करें और फिर फार्मूला यूज कर लें और एंगल फाइंड कर लें, और हमारे पास एंगल की वैल्यू अगर 57 डिग्री आती है, तो इसका मतलब यह है कि 57 डिग्री तक तो
ट्रैक जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, और 57 डिग्री पे क्या होगा, ऑन होगा, और फिर ये कंडक्ट करेगा पॉजिटिव साइकिल में 180 डिग्री तक, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के दौरान हमारे पास जो एंगल है वो 180 है. तो व्हाट इज कंडक्शन एंगल? कंडक्शन एंगल द एंगल ड्यूरिंग विच ट्रैक विल कंडक्ट, ठीक है, या ट्रैक विल रिमेन इन आवर ऑन स्टेट. तो वो हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? वी कैन फाइंड इट कि अगर हम क्या कर दें, फाइनल एंगल को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 से, हमारे पास कंडक्शन एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर 57 डिग्री तक ये कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, और आफ्टर 57 डिग्री इट इज़ कंडक्टिंग, इसका मतलब ये कि पूरे साइकिल में ये कितनी देर के लिए कंडक्ट करेगा, इट विल कंडक्ट, वो हम फाइंड कर सकते हैं अगर हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 57 को, तो इतनी देर के लिए क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा और 57 डिग्री तक ये कंडक्ट नहीं करेगा. ठीक हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन? फायरिंग एंगल, कंडक्शन एंगल से रिलेटेड एनी क्वेश्चन? ओके जी, नो क्वेश्चन. अच्छा, अब स्टार्ट में हमने वैल्यू देखी थी आरएमएस की, लोड के ग्रास वो क्या थी, वो 119 वोल्ट थी, ठीक है ना. व्हेन फायरिंग एंगल वाज 0 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री, एंड कंडक्शन एंगल वाज 180 डिग्री, ठीक है. हमने रेजिस्टर की वैल्यू चेंज की, जिसकी वजह से कंडक्शन की वैल्यू क्या हुई है, वो बढ़ गई, और कितनी है, तकरीबन ये हाफ यानी 45 डिग्री के करीब है इस वक्त, ठीक है ना. यहाँ से अगर हम अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू हम वो इंटरवल नोट करके कर सकते हैं, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट है वो क्या, क्योंकि पीक पे वैल्यू क्या होगी फाइनल एंगल की, वो 90 होगी, और जो जीरो क्रॉसिंग है, ठीक है, वो क्या होगी, वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, वो 0 डिग्री होगी, तो तकरीबन मिडल पॉइंट बन रहा है, तो मिडल पे फिर 45 होगी अप्रॉक्सीमेट. तो अगर एंगल की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री होगी, देन व्हाट विल बी द आरएमएस वैल्यू अक्रॉस द लोड? द आरएमएस वैल्यू अक्रॉस द लोड विल बी 114 वोल्ट, ठीक है ना, यानी वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी. फर्दर अगर हम इस वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो दस सी के फिर क्या होता है, फाइनल एंगल और द फाइनल एंगल विल इंक्रीज. यहाँ पे देखिए, अब ये 90 के करीब हो गई है, हमने आर को इंक्रीज किया, आर के इंक्रीज करने से क्या होगा, सी वन के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंपल एक आर सी सर्किट होगा, जब जब ट्राई क्या होगा, वो रिवर्स वाइस होगा. तो हमने एक्चुअली क्या किया है, हमने आर इंक्रीज करने से हमने गेट सिग्नल को कम किया. जब हम गेट सिग्नल को कम करेंगे तो ट्रैक जो है वो हाई वोल्टेज पे ऑन होगा. तो क्लियरली यू कैन सी कि जब इसकी वैल्यू क्या होगी, वो पीक के करीब पहुंचेगी, फिर ये ऑन होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये तकरीबन 90 के करीब एंगल पे जो है ऑन हो रहा है, और जो आर एम एस वैल्यू हमें मिल रही है लोड के अक्रॉस, दैट इज 105 वोल्ट. तो यानी इस सर्किट को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम लोड के अक्रॉस आर एम एस वैल्यू को वेरी कर सकते हैं. वेरी कैसे करेंगे, वेरिएबल रजिस्टर को चेंज करेंगे, फायरिंग एंगल की वैल्यू चेंज होगी, जिससे आर एम एस वैल्यू भी लोड के अक्रॉस क्या होगी, वो चेंज होगी. फर्दर इसको इंक्रीज करते हैं, लेट्स सेट इट टू 60 एंड सी क्या होता है. अब आप देखें कि हमें एंगल एग्जैक्ट 90 मिल रहा है, ठीक है, और अब क्या हुई, आर एम एस वैल्यू 81 हो गई है. स्टार्टिंग वैल्यू वन क्या इतनी थी, 119 थी, अब देखें 81 तक आ गई. इस तरह अगर फर्दर स्कोर इंक्रीज कर लेते हैं, स्कोर भी हम इंक्रीज कर सकते हैं फायरिंग एंगल. अब आप देखें कि नाउ द फायरिंग एंगल जो है ना, इट इज़ ग्रेटर देन 90, और अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, तकरीबन 125-130 तक होगी, ठीक है, यानी 130 डिग्री विल बी द फायरिंग एंगल, और जो रिमेनिंग 50 डिग्री है दैट विल बी द कंडक्शन एंगल, ठीक है. और 100 पे भी चेक कर लेते हैं कि तो फर्दर जो है वो तकरीबन अब ये 150-160 तक होगी तकरीबन इस वक्त फायरिंग एंगल की वैल्यू. तो कहने का मकसद ये है कि आर को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, हम फायरिंग एंगल को इंक्रीज कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, दी आर एम एस वैल्यू का लोड विल ऑल्सो चेंज. अब अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखें, दी आर एम एस वैल्यू जो है लोड के क्रॉस, दैट इज 54, ठीक है. तो स्टार्टिंग वैल्यू जो थी वो 119 थी, जिस वक्त एंगल फाइनल एंगल की वैल्यू 0 के करीब थी, और कंडक्शन एंगल की वैल्यू मैक्सिमम थी, और 100%
यानी इफ वैल्यू ऑफ आर इज 200 किलो ओम, तो अब इस वक्त जो आरएमएस वैल्यू है लोड के ग्रास वो 50 वोल्ट है, यानी जो फाइनल एंगल है वो तकरीबन 140-150 है, और जो कंडक्शन एंगल है उसकी वैल्यू क्या है वो 20-30 के करीब है, और आरएमएस वैल्यू भी यू कैन ऑल्सो चेक इट अक्रॉस द लोड। तो इस सर्किट को हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल आरएमएस वैल्यू अक्रॉस द लोड। ठीक हो गया जी? जी सर। सर अगर आप वो अटेंडेंस ले लेते हैं और लाइट चली जाए। ठीक है, ले लेता हूँ। अच्छा अब लेकिन ये सेम काम तो हम वेरिएबल पोटेंशियोमीटर से भी तो कर सकते हैं कि हम क्या कर दें, लोड लगाएं, ठीक है, और साथ ही एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाएं दरमियान में और एक हमारे पास सोर्स हो, तो वेरिएबल रेजिस्टर को हम अगर चेंज करेंगे तो ड्रॉप अक्रॉस द वेरिएबल रेजिस्टर्स विल चेंज एंड एंड दी वोल्टेज अक्रॉस आर एल विल वेरी। कर सकते हैं ना हम, यानी सिंपल हम एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाएं जिसमें एक वेरिएबल रेजिस्टर रखें और एक फिक्स है, और फिक्स रेजिस्टर को हम कहेंगे लोड है, तो अगर वेरिएबल को वेरी करेंगे आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द लोड विल चेंज, तो फिर इस सर्किट की क्या ज़रूरत है हमें, व्हाई वी आर यूजिंग ट्राइक डाइक एंड आल्सो दिस ट्रिगर सर्किट। सर वो रेजिस्टर जो है वो पावर लॉस ज़्यादा करेगा। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देखें ना, पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें मिनिमम पावर लॉस चाहिए, तो अगर यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी कि अगर ट्राइक ऑन स्टेट में होगा फिर सर्किट में करंट फ्लो करेगा एंड हमारा क्या होगा, पावर जो है वो लॉस होगा, लेकिन जब ट्राई क्या होगा वो ऑफ स्टेट में होगा देन नो करंट विल फ्लो इन द सर्किट, क्योंकि इतना कम करंट फ्लो करेगा सर्किट में जिसको हम क्या कहेंगे कि एज आई सेड पोटेंशियोमीटर की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि उसको हम इग्नोर ही करते हैं उस करंट को। तो मेन जो वजह है ना कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को हम यूज़ नहीं करते लोड के क्रॉस आरएमएस वैल्यू वेरी करने के लिए, वी यूज़ दिस सर्किट। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे अब देखें ना, सिर्फ ये जो हमें अगर आरएमएस वैल्यू लोड के क्रॉस 50 वोल्ट चाहिए तो सिर्फ फॉर स्मॉल ड्यूरेशन क्या होगा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, एंड फॉर दी और कंप्लीट साइकिल के दौरान करंट क्या होगा फ्लो नहीं करेगा, बल्कि जस्ट फॉर अगर इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट कह दें तो अगर हमारा जो टाइम पीरियड है वो 20 मिली सेकेंड है, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल का, तो करंट सिर्फ तकरीबन 4 या 5 मिली सेकेंड के लिए फ्लो करेगा सर्किट में, एंड फॉर द रिमेनिंग 15 मिली सेकेंड करंट इन द सर्किट विल बी जीरो। लेकिन अगर हम वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते हैं, ठीक है, और एक लोड यूज़ करते हैं, देन हमारे सर्किट में क्या होगा, थ्रू आउट करंट फ्लो करेगा, ठीक है, यानी कंप्लीट साइकिल के दौरान करंट फ्लो करेगा। जी गुड, शाबाश। इस सर्किट पावर लॉसेस को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं यूजिंग दिस सर्किट। जी और किसी का कोई क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।